नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे बालकनी गार्डन में आपका स्वागत है। देखो, ये सब पौधे लगाए हैं और काफी मुरझा रहे हैं। इनको पानी की जरूरत है। पहले एक बार ठीक से देख लूं, फिर पानी देती हूँ। कल थोड़ा पानी दिया था मैंने, बट फिर भी यहाँ पे बहुत हवा चलती है तो उस वजह से पौधे सूख जाते हैं। और मैंने बहुत सब अब जो भी ट्राई कर रही हूँ, मैं एक्चुअली मिट्टी बाहर से ही मंगा रही हूँ, तो वही मिट्टी यूज कर रही हूँ जो कि वेल ड्रेनिंग हो, क्योंकि मेरा जो मिट्टी यूज कर रही थी पहले, उसमें पानी बहुत रिटेन हो रहा था। गर्मियों में वो मिट्टी अच्छी रहती है, पर सर्दियों में और बारिशों में वो मिट्टी बहुत परेशान करती है। मैंने काफी कोशिश करी रेत वगैरह मिलाने की, पर प्रोपोर्शन नहीं आ रही। ये बेचारा अभी भी मुरझाया हुआ है। और ये देखिए, ये जेड का मैंने जो पौधा लगाया था, ये सही है, इसमें पानी की जरूरत है और मैं अभी नहीं दूंगी। और ये देखो, ये सीडलिंग्स लगाए थे गेंदे के, उसमें से कुछ ही बड़े हैं। कोई बात नहीं, हम उन्हीं को देखेंगे। सब सीड्स ऐसे भी नहीं होते और मेरी भी काफी गलती होती है, मुझे ठीक से नहीं शायद संभालना आता है। अगली बार मैं जो भी पौधे हैं उनको जल्दी सीड्स को ग्रो करूंगी और उनको अलग अलग लगाऊंगी। और ये देखिए, अम्ब्रेला पाम में अच्छे फूल आ रहे हैं, जिसमें से सुंदर सुंदर सीड्स बनेंगे और ज्यादा प्लांट्स बढ़ेंगे। और ये सिंगोनियम है और नीचे मनी प्लांट है, वो भी ठीक ठाक हो रहा है। ये चांदनी का पौधा है, इसकी पत्तियां पीली हो रही थी पर अब ठीक है। ये करांचो की मैंने पत्ती लगाई थी पर मुझे नहीं लगता ये होगी। इसमें ऊपर बर्ड भी आ रहे थे, मैं ज्यादा उसको टच नहीं करूंगी। फिर थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते बाद वापस से एक पत्ती लगा लूंगी। ये देखो, ये भी एक सिंगोनियम हो रहा है। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, पता नहीं कौन सा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बस दिखने में सुंदर होने चाहिए। और ये देखिए, ये है हमारा प्राजिता, नहीं ये पारिजात का प्लांट है, मैंने रिसेंटली मंगाया है। ये भी काफी ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो, ये सब पौधे, ये देखो नीचे रेन लिली और एक और लिली है, पता नहीं कौन सी वाली है, ये शायद गर्मी वाली लिली है, बट इसमें मैंने एक बार भी फूल नहीं देखे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मंथ मेरा प्लान है कि एक तो विंटर वाली लिली मंगाऊंगी। और ये देखो, ये सीडलिंग्स है, कुछ सीड्स उगे हैं, कुछ नहीं उगे हैं, मुझे भी शायद ठीक से नहीं करना आया। जो है उनको मैं निकाल के, मेरा प्लान है कि सीधा अभी लगा दूंगी, ज्यादा उनको छेड़छाड़ नहीं करूंगी। जो भी हो रहे हैं ठीक है। इच्छा तो मेरी थी कि सारे उग जाएं, फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, ये सीजन है, फिर नेक्स्ट सीजन में वापस ट्राई करेंगे। और पौधे तो हम वैसे भी ला ही रहे हैं और मुझे ठीक से एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो शायद मैंने वो भी ठीक से नहीं लगाया है। तो देखो, अब ये इसको सीडलिंगों में ट्राई कर रही, सीधा खड़ा होने का होता है तो पानी में बहुत केयरफुल डालती हूँ, पता नहीं फिर कैसे ऐसे हो जाते हैं। बहुत कुछ सीखना है अभी। ऑल्दो हम लोग की एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं आता है। जो बेचारे किसान करते रहते हैं, हम उनको गालियां देते रहते हैं, करो तब पता चलता है, सीड से ग्रो करेंगे तब पता चलेगा कितना टफ होता है सब कुछ करना। एक फूल के पौधे नहीं उगा पा रहे हैं, बाकी तो हम क्या ही करेंगे। ये देखो, ये गुलाब की कटिंग्स लगाई थी, ये तो लगी, पता नहीं निकल नहीं रही है, टाइट है थोड़ी, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। ये वाली लूज है, इसे मैंने शायद नोड ही नहीं दबाई थी, तो ये तो खराब हो गई है, इसको हटा देती हूँ और वापस से इसको कवर कर देती हूँ। छोटा सा मैंने ग्रीन हाउस जैसा बना रखा है, हवा बहुत चलती है यहाँ पे तो ये सब चीज कवर करके रखनी पड़ती है। ये है देखो, ये सारे हमारे पौधे लगे हुए हैं। देखो इसमें भी ये कटिंग नहीं चली, इसको भी हटा देती हूँ। और इसमें पत्ते मुझे हटाने हैं, बहुत सारे पत्ते सूख गए हैं, कुछ पत्ते हरे हरे हैं, जिसमें पत्ते हरे हरे हैं वो मुझे सही लग रहा है। मैं इसे हाथ से नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि कटिंग हिल सकती है, और कटिंग हिलती है तो फिर उसमें रूटिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
और देखो जो काफी सारे हरे पत्ते दिख रहे हैं, तो उम्मीद तो अभी भी है। और ये देखो, ये मैंने सिंगोनियम की कटिंग ऐसे ही पानी में लगाई हुई है, और ये सब है पौधे। काफी गंदी हालत हो रही है हमारे बालकनी की, साफ करना है। बट ये देखो मैं लेकर आई हूँ, मैंने जो संतरे के छिलके हैं वो बॉटल में रखे हुए थे, मुझे पानी देना है तो मैं वो ही मिला रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, थोड़ा सा मिलाऊंगी, ज्यादा हाई कंसंट्रेशन से पौधों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मैं मेरे चेदू राम से पानी दूंगी, काफी मुरझा रहे हैं। देखो ये तो पता नहीं एकदम से सूख गया बेचारा, इसको हटा के नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे बहुत हवा चलती है और कभी कभी धूप भी तेज हो जाती है, ऐसे तो इतनी तेज नहीं होती है पर पता नहीं यार देखते हैं, क्योंकि धूप वाले पौधे तो मुझे सब दूसरी बालकनी में शिफ्ट करने पड़े। और ये पता नहीं चलो कोई बात नहीं। अरे तुम, डब्बा बंद हो गया। अब एक हाथ से यार कैमरा पकड़ती है, एक हाथ से पानी देती है, और ऐसा कुछ होता है तो ढम करके बंद हो जाता है। इसमें जो सीडलिंग्स है वो ठीक ठाक उग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको धूप मिल रही है सीडलिंग के लायक, तो अच्छे हो रहे हैं। और ये देखो हमारा गेंदे का पौधा, ये गुलदाउदी मंगाया था, और ये कौन सा मंगाया था पता नहीं यार, इसको तो मेरे को नीचे उठा के रखना है। सिलोसिया बोलते, चिलोसिया बोलते, कुछ ऐसा नाम है इसका। खैर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उसका असली नाम क्या है, वो ऑरेंज वाले जो फूल है स्टॉक वाला, उसका सालविया नहीं है, सिलोसिया है शायद। खैर जो भी है, देखो तो पौधे बेचारे ऐसे पानी पी रहे हैं जैसे कि मैंने उनको सालों से नहीं दिया, जबकि मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे दे रही हूँ। सर्दियों में इतना पानी दे रहे हैं मुझे, सब गाली देते हैं इतना पानी मत दिया करो। और ये है हमारा कौन सा पौधा है, ये यार मैं नाम भूल जाती हूँ, अभी सब कोई दिखा रही होती हूँ तो हाँ ये वाला है वो वाला है बोलती हूँ, पर होता ही नहीं है। सीडलिंग्स का भी तकलीफ है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। पानी खत्म हो गया है, वापस रिफिल कर रही हूँ उसमें, और वही ऐड करूंगी। कुछ ऐसा मेजर नहीं लेती हूँ मैं, बस थोड़ा पानी उसमें डाल देती हूँ। खाली पानी से अच्छा कुछ न्यूट्रिएंट्स वाला पानी जाएगा तो पौधों में ग्रोथ अच्छी होगी। वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालती हूँ पर उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाती हूँ, और लिक्विड फर्टिलाइजर से पौधों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। देखो हमारे डायंथस जी, और ये ना एक बॉटल टूटी है, इसको मुझे DIY करना है, उसके लिए मैंने रखी है, पर ये काफी डेंजरस पोजीशन है, इसको करेंगे। इसमें एक मूली मूली की सीडलिंग बची है, पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी, उम्मीद नहीं है मुझे। खैर फिर भी देखेंगे, इस सर्दियां तो सब ट्रायल एंड एरर ही हो रहा है, जो होगा अब सब अगली सर्दियों होगा, शायद तब तक मुझे कुछ आ जाए। और अब तो मैं यही उम्मीद करके बैठी हूँ कि जैसा जो हो जाए बस हो जाए। ये देखो हमारे गेंदे जी, इनके फूल मैं हटाना नहीं चाहती हूँ, अच्छे खिले हुए हैं, खिलने दो, जब मुरझाएंगे तब हटा दूंगी। और इसमें मुझे सबको नीम ऑयल देना है, फिर से 2 दिन पहले दिया था, आज वापस दूंगी, क्योंकि सर्दियों के पौधों में बहुत ही कीड़े हो रहे हैं। और इनफैक्ट जो मैं नर्सरी से भी लाती हूँ ना, तो उसमें भी बहुत हाई प्रायोरिटी होती है कि उसमें कीड़े होंगे ही होंगे। ये देखो मैं ऑर्नामेंटल कैबेज लेकर आई थी, नहीं ऑर्नामेंटल कोई सी सब्जी है, वो खाने की नहीं है देखने की है, सुंदर लगती है तो मैं उसको ले आई थी। ये देखो पानी मैं ऐसे देती हूँ साइड से, पौधों के ऊपर बिल्कुल आने नहीं देती हूँ, फिर भी ऐसे बदमाश है ना, उग ही नहीं रहे हैं, क्या ही करें। फिर धीरे 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 देती हूँ, बेकार से। चलो कोई नहीं, आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, कुछ अच्छे टिप्स दीजिए ताकि मैं और लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।